जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस वर्ष अपने वार्षिक सामाजिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत गलियों सड़कों पर रहने वाले आवारा जीवों स्ट्रीट डॉग्स के प्रति लोगों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने तथा उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी प्रयास में आज मैं नीचा अपनी साथी खुशी के साथ पूरे क्षेत्र में जाने वाले चिकित्सक डॉक्टर सीमा मित्तल जी की से इस संवाद में बात करेंगे। डॉक्टर सीमा सिर्फ चिकित्सक में ही सिद्धस्त नहीं है, ये समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय है। इन्होंने क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर पर होने हार प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली विनम्र सादगी से युक्त डॉक्टर सीमा मित्तल जी अपने कुछ स्वयं सेवकों के साथ गलियों सड़कों पर रहने वाले जीवों की देखरेख चिकित्सा जैसे संवेदनशील कार्य से भी जुड़ी है। आइए इनसे बातचीत करते हुए इस विषय पर इनके विचार जानें। मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमने देखा है कि हमारे देश में लोग सड़कों पर घूमती गाय या गौवंश के प्रति तो संवेदनशील होते हैं, लेकिन सड़कों गलियों में रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स से बहुत डरते हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक्चुअली एक समय में हमारे घरों में गाय को पाला जाता था, क्योंकि गाय दूध देती है, गाय का गोबर हमारे खेतों में काम आता है, और जो हमारा एक प्रिंसिपल है जिस पे हम बेस होते हैं इकोलॉजिकल, कि जिस जगह हम रहते हैं जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कुत्ते की यदि बात करें तो शुरू से ही कुत्ते को एक शिकारी पशु की कैटेगरी में रखा गया। अभी भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि कुत्ते बेसिकली वो शिकारी ही हैं, कभी भी वो परिवारों में मिलकर शुरू में नहीं रहते थे। और हिंदू मैथोलॉजी में यदि हम जाएँ तो शुरू से ही ऐसा है कि गाय को में भगवान है, या गाय के गोवर्धन की हम बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, तो एक एक्सेप्टेंस हमारे मन में आ चुकी है गाय के लिए। वो एक एक्सेप्टेंस क्योंकि बन गई है, एक धारणा बन गई है, जो धारणाएं हम जन्म जन्म से अपने साथ ला रहे हैं और हमारे माँ बाप ने अगर उन्होंने किया तो हम उसको मान लेते हैं कि वो ऐसा सही है। कुत्ते क्योंकि शुरुआत में जंगलों में रहते थे, हमारे साथ नहीं रहते थे, और हम जब अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, धर्म क्योंकि हिंदू धर्म है हमारा, और हम लोगों के धर्म में जो चीज़ें धर्म लिखी हैं शास्त्रों में उन्हीं को फॉलो करते हैं। नई चीज़ों को आप नई पीढ़ी आगे आओगे तब आप जीव का सिद्धांत समझोगे कि जिसमें भी जान है। अब क्योंकि कुत्तों को हम ले आए, कल को हम शेरों को ले आते हैं अपने साथ रहने के लिए, और फिर हम उन्हें मानते हैं कि तो मांसाहारी हैं और ये नरभक्षी हैं और इन्हें हमसे दूर रहना चाहिए, तो वो फीलिंग्स नहीं आती हैं। अब क्योंकि समय बदल गया है, हम पालतू कुत्ते भी रखने लगे हैं और एक्सेप्टेंस भी है, तो समय के साथ शायद वो बदलाव आएगा। और आप लोगों की जो विजिट है आज की, वो मेरे ख्याल से मैम भावना मैम आप मानेंगे कि वो इस बदलाव का एक शुभ संकेत है कि हमें एक प्राणी मात्र से, एक जीव से प्यार करना है, गाय या कुत्ता या कोई भी अंतर रख के हमें नहीं चलना है। तो मेरे हिसाब से अभी तक क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी, गाय ने हमें दूध दिया, हमने गाय को रख लिया, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है तो एक फर्ज समझते हैं। कुत्ते भी हमारी सुरक्षा करते हैं, कुत्ते हमें भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, तो समय के साथ वो परिवर्तन आ रहा है ना। कुछ आपने सही कही मैम, गलियों में रहने वाले इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम खाने का, पानी का या रहने का जो इंतजाम है वो कैसे करें? ये ना एक बहुत ही अहम सवाल है जो मेरे दिमाग में भी घूमता रहता है। हम लोग सभी, मैं खुद के बच्चों की बात करूँ, हम विदेशी कुत्ते खरीदते हैं, और यदि हम जाएं उसकी डिटेल में तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, और जैसे ही वो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। गोल्डन की बात करें या लैब्राडोर की हम बात करें, 20,000-25,000 में वो मिलते हैं, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि उसकी मदर के साइकोलॉजिकल असर क्या हो रहा है इस चीज़ का। मतलब एक माँ से उसके बच्चे को छीनने से वो कितनी डिप्रेशन में जाती है, फ्रस्ट्रेशन में जाती है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम, और फिर वो कुत्ते सर्वाइव भी नहीं करते। तो मानो कि जो ठंडी जगह पे रहने वाले हैं साइबेरियन है या जो भी डॉग्स हैं, उनको हम जब यहाँ ले आते हैं, हम क्रॉस ब्रीड करके अपने देश में रख लेते हैं, लेकिन वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। कितने सारे डॉग्स ऐसे हैं जो कि इनिशियल स्टेज में ही मर जाते हैं, कितने सारे वायरसेस हैं जो उनको इन्फेक्शन होते हैं। तो क्यों ना हम, अगर हम सच में डॉग लवर हैं और हमें सच में कुत्ते चाहिए, तो हम स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। बहुत सारी अडॉप्शन एजेंसीज, रेवाड़ी एक छोटा शहर है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, और DPS का दिस स्टेप इज
इट्स अ वंडरफुल स्टेप, रिमार्केबल स्टेप है. एंड आप लोगों के सहयोग से अगर हम लोग कुछ ऐसी एनजीओ बना पाएंगे जहाँ पे हम स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें, हमें कुत्ता रखना है जो हमारे अकेलेपन के लिए सहायक है. लोगों को लगता है कि ये स्ट्रीट डॉग है इसको तमीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, इमोशनली वो बहुत ही स्ट्रांग है. तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि इनके भोजन पानी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ हम रह रहे हैं हमारी लोकेलिटी में कुत्ते हैं, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से कुत्ते हैं. हम लोग भी करते हैं कि इन्हें हम दूध देते हैं, इन्हें हम रोटी देते हैं, हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर एरिया इनकी टेरिटरी मार्क होती है. तो सब लोग सेंसिटाइज हो जाए, आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है इसके माध्यम से भी सब लोग सेंसिटिव हों और अपने अपने एरिया के कुत्तों का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि क्या वो भूखे तो नहीं रह गए, क्या वो परेशान तो नहीं, क्योंकि अब फिर से सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए खाना. फिर ये कूड़ा खाते हैं, कूड़े में से गंदगी खाते हैं, फिर इनको इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इनको इचिंग होती है, ये स्क्रैच करते हैं जमीन से, फिर इनको जख्म हो जाते हैं और उस जख्म में फिर मक्खियाँ आती हैं, वो अपने अंडे दे देती हैं और उससे फिर इनको कीड़े पड़ जाते हैं. तो मतलब हम इंसान अगर ये सब देख पा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए इंसान कहलाना ही गलत होगा. तो जो भी हमारे एरिया में कुत्ते हैं हम शुरुआत करें कि हम वहीं से शुरुआत करें और हम उनको अडॉप्ट करें. और घरों में भी हम ऐसी स्कीम चलाएं कि जिस जो भी ले सकता है एक या दो कुत्तों को अडॉप्ट कर ले और फिर उसे संरक्षण दे. और हम कई बार ये स्ट्रीट डॉग्स हमारे व्हीकल्स के पीछे भागने लगते हैं और लोग उससे डर जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो ये ना बहुत प्यारी सी चीज़ है, एक्चुअली हम डरते हैं और जितना हम डरते हैं वो उतना भागते हैं. उन लोगों के लिए तो बेसिकली तो ये खेल है कि जैसे मैंने बोला कि ये कुत्ते बेसिकली शिकारी कुत्ते होते हैं. अभी भी हम लोग गए थे गिर के फॉरेस्ट में, जहाँ भी वहाँ पे बहुत जगह कुत्ते होते हैं सेम, लेकिन वो शिकारी हैं क्योंकि वो हम लोग के संपर्क में नहीं है, हमने इन्हें धीरे धीरे पालतू बना लिया. पहले तो वो भागते हैं क्योंकि जंगल में तो क्या है, कोई भी नई चीज़ देखना भागना है तो उसके पीछे भागते हैं. तो वो ऐसा उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. और यदि हम स्लो करते हैं, हम रुकते हैं तो उनको भी अच्छा ही लगता है, वो काटते नहीं है. अनलेस कोई कुत्ता पागल है वो नहीं काटता है. वो पागल भी क्यों होता है? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाता है या वो भूखा या वो एग्रेसिव तभी होता है या किसी ने उसको मार दिया है. तो पहले तो ये भागते हैं. सेकेंडली इनकी टेरिटरी होती है, अपनी अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं सारे डॉग्स ना, कभी कभी देखो यूरिन करते हैं डॉग्स हैं या जो भी जितने भी शिकारी जानवर हैं जो शिकार करते हैं वो अपना एरिया मार्क करके रखते हैं और ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं, उस एरिया से आगे नहीं जाते. तो जब भी कोई चीज़ आती है, अब हमारी कार है या स्कूटर, इनको समझ में आता है कि ये किसी और जानवर की टेरिटरी से कुछ चीज़ आई है और मुझे उसको मैसेज भेजना है. तो ये दूसरी चीज़ है. और तीसरा है कि वो कभी कभी फ्रेंडली होना चाहते हैं. तो बेसिकली अगर हम भाग रहे हैं, हम अपना ड्राइव कर रहे हो, वो जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो डरने की बजाय हमें अपने व्हीकल की स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा रुक के हम उसे उसकी तरफ देख सकते हैं. एक बार आप उसकी तरफ देखते हो तो वो रुक जाता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती. इनफैक्ट एक मेरी नर्स थी, उसके फादर इन लॉ जा रहे थे ऐसे ही, वो दौड़े, कुत्ता और तेज दौड़ा, दौड़े दौड़े वो पास आने के चक्कर में उनको बाइक मार्क लग गया, खुद का मार्क, क्योंकि वो तो कोर्ट रोकने की कोशिश कर रहा था. और 3-4 साल के बाद ही टर्न आउट भी लेट और उनकी डेथ हुई बहुत लेट. तो डरना नहीं है, आपको रुकना है और एक बार देखना है कि वो क्या कर रहा है. हम जैसे कई बार हम सड़क हादसा देखते हैं तो उसमें कोई स्ट्रे डॉग है वो घायल हो जाता है तो बहुत दुख होता है उनको देख कर कि वो इतने पेन में है. तो मतलब हम चाहते हैं हम उनकी हेल्प करें लेकिन ये समझ नहीं आता हम उन्हें कहाँ ले जाए या हम किसे संपर्क करें, तो आप कुछ बता सकते हैं? सच में ना मतलब ये इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. तो डॉग की बात कर रही हूँ, आज अगर मेरे शहर में मेरी गाय बीमार होती है या मेरा भैंस भी बीमार होती है बचने की, तो कोई बहुत प्रॉपर उसके टेकर्स नहीं है. हमारा जो वेटरनरी हॉस्पिटल है यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता. और स्ट्रीट डॉग तो फिर मतलब वह है ना, कुत्ते की ज़िंदगी और मौत का तो कोई वो है ही नहीं. तो इसके लिए हमें शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी. जैसे दिल्ली में लाल मंदिर में अगर तुम लोग कभी जाओ तो मैम वहाँ पे बर्ड हॉस्पिटल है, बहुत ही प्यारा सा, दुनिया भर से बर्ड्स जितने भी बर्ड्स बीमार होते हैं वहाँ पे लेके आते हैं उनको और उनकी केयर होती है. तो ऐसा एक इनिशिएटिव डेफिनेटली हम लोग लेना चाहेंगे. दीपिका मैम से भी बात हुई थी और बच्चे लोगों की तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो फंडिंग कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, इमोशंस दे सकते हैं, बट टू कैरी फॉरवर्ड तो आप लोगों में से अगर आप लोग आगे आते हैं तो डेफिनेटली तुम लोगों के डीपीएस के पीछे थोड़ा सा एरिया हमारे पास है जहाँ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वी स्टार्ट अ हॉस्पिटल. क्योंकि आज तुम आए तो आज हमने प्लान किया टू स्टार्ट विथ हमारे हॉस्पिटल में पीछे जगह है मैम, जो मैंने जस्ट अभी ऑर्डर किया है कि हम 2 या 4 बेड्स ऑर्डर कर रहे हैं और सामान ऑर्डर करते हैं. बट वी नीड मैन पावर, हमें वॉलंटियर्स चाहिए हु कैन वर्क. क्योंकि स्ट्रीट डॉग को ना मैंने भी कभी टच नहीं किया था, मुझे मेरी मम्मी भी बोलती थी हाइजीन एंड इन्फेक्शन और दूर रहना है. तो बहुत ही ना हम लोग बिल्कुल
नफरत करते थे इनसे, लेकिन अब समझ में आया कि इनको क्योंकि हम टच नहीं करते ना, इसलिए अग्रेसिव है। तो अब हमने स्ट्रीट डॉग्स को टच करना शुरू किया है, तो अभी तो एक डॉग है हमारे घर आ जाता है ना, वो कान टच भी करता है, हग भी करता है, तो वो हेजिटेशन, वो इनिबिशन हमें हटाना पड़ेगा। कुत्ते बहुत ज़्यादा है, तो हमारा अगला शायद तुम्हारा सवाल हो, तो हम इनको वैसेक्टमाइज करा सकते हैं, ट्यूबेक्टमी करा सकते हैं इनकी जो फीमेल डॉग्स हैं, हम इनको स्टेरलाइजेशन करा दें, ताकि क्योंकि एक बार में 7 या 8 बच्चे देती हैं। अब गली में 7 कुत्ते हैं और 7 में से अगर हमारे पास 20-25 बच्चे आ गए, 3 मंथ्स इनकी जेस्टेशन पीरियड है, तो पूरा संसार कुत्तों से भर जाएगा। तो हमें एक स्टेप और भी लेना हो कि हम इनके फैमिली प्लानिंग के जो भी मेथड्स हैं वो इनको करवा सके। अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग आगे आते हो, हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्रोजेक्ट है जो हमारे दिल को छूता है, और अब क्योंकि DPS के बच्चे आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, है ना बेटा? हम जैसे पर्सनली मैंने खुद भी फील करा है कि मुझे भी डर लगता था स्ट्रे डॉग से, पर रिसेंटली मैंने एक दिन बस ऐसे ही हाथ फेरने की कोशिश करी, तो उसका जो लव था ना, मतलब वो फील हुआ। कई बार मैं जैसे जा रही होती हूँ तो बस के लिए वेट कर रही हूँ तो आती है, फिर उसको कभी फील करती हूँ तो मतलब जब मैं स्कूल से उतर के बस से उतर के आती हूँ तो वो वहीं बैठे रहते हैं, मुझे घर तक ड्रॉप करते, तो वो एक फील होता है ना, कनेक्ट वो होता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि एक घर के अलावा भी कोई एक फैमिली मेम्बर टाइप। सुंदर बॉन्डिंग है वो ना, वो अपनी पूंछ हिलाते हैं, फिर उनकी आंखों में देखो तो एक ना चमक आती है, तो इतनी सेल्फलेस चमक ना बहुत कम मिलती है। मैम जैसे अभी आप बता रहे हैं कि दिल्ली में जो बॉर्डर वाला हॉस्पिटल है, या फिर अभी रेवाड़ी में भी हम जैसे देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों में होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी किसी डॉग को या किसी भी पशु को कोई प्रॉब्लम हो तो क्या रेवाड़ी में ऐसी कोई संस्था है या मतलब जहाँ पे हम इनको वैक्सीनेटेड करवा सके या फिर इनको प्रोटेक्ट कर सके, यहाँ पे जहाँ पे इनको रख सके अच्छे से? अनफॉर्चुनेटली आज तक की डेट में तो मैंने बहुत ट्राई किया है, मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास एक वो दीपू, एक लड़का जो हमारे साथ काम करता है, वो मदद करता है, बट फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं उसके, तो फिर ये कि हम इंजेक्शन मंगा लेते हैं उसके साथ चले जाते हैं, या बाकी हमारे 2-3 डॉक्टर मित्र हैं जिन लोगों को ये अच्छा लगता है, तो होपफुली उनके साथ मिला के हम आज से हम इस करते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में एटलीस्ट जो बहुत ही ज़रूरतमंद होंगे हमें कॉल कर सकते हैं और हम भेजेंगे, क्योंकि दीपू भी बोला शायद उसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मैन पावर की प्रॉब्लम मेन है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे काम नहीं होता और प्राइवेट में वी डोंट हैव हैंड्स, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम लोग अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वेटरनरी हॉस्पिटल से, और क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर सर भी बहुत ही अच्छे हैं, तो हम उनकी मदद से वी विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग मे बी 2 डेज अ डे। मैम जैसे जो मूक जीव है इनके लिए जो आपके प्रेम की भावना है वो हमें दिखती है आपके काम से भी, आपकी भाषा से भी, लेकिन मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी होती है कि उनको चोट पहुँचाना चाहते हैं या उनको हार्म करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जीवन का एक बहुत ही सुंदर सा प्रिंसिपल है, आपके पास जो है वो आप देते हो, आपके पास नफरत है तो आप नफरत देते हो, आपके पास प्रेम है तो आप प्रेम देते हो, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी कि मूक की जो चीख है, जो साइलेंट स्क्रीम है, वो बहुत दूर तक जाती है। जो आदमी चिल्ला रहा है हो सकता है कि वो 10 आदमियों को सुना दे, वो 100 आदमियों को भी सुना दे, लेकिन जो अंदर आदमी रोता है या जो जीव, कोई भी जीव आत्मा जिसमें भी आत्मा है, तो वो बहुत दूर तक जाती है। और जब हम किसी को पत्थर मारें, बहुत सारे बच्चे कुत्ते को पत्थर मारते हैं, कोई उनकी पाँव बांध देता है, कोई कुछ कर देता है, टॉर्चर करते हैं, पहली बात तो ये बंधने के लिए बने ही नहीं है, इनको बांधना भी गलत है, घर में भी यदि हम चेन से बांध के रखते हैं तो उससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। और दूसरी बात हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। एक छोटी सी कहानी जो तुम लोग के लेवल, हम लोग पढ़ते थे 2nd-3rd में, कि एक बच्चे को बताया गया था कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ भगवान है, उसके फादर ने उसको ये बात समझाई थी, और एक दिन वो खुद चोरी करने पड़ोस के खेत में चले गए, गन्ने का खेत लगा हुआ था, बड़े बड़े गन्ने, तो उन्होंने सोचा 2-3 तो चोरी कर लेता हूँ, पड़ोस का खेत है कौन देख रहा है, बेटा तू यहाँ खड़ा हो जा, मैं गन्ने ले रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। वो दौड़ा, पापा पापा देख रहे हैं, कह रहे कौन देख रहा है, कि वही देख रहा है जो सबको कहीं से भी देख सकता है। तो यदि हम किसी को सता रहे हैं आज, किसी को हम पीड़ा दे रहे हैं अनजाने में भी, हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए, प्रार्थना कि भूल के भी हमसे कोई भूल ना हो, लेकिन अगर हम जानबूझ के किसी को पत्थर मार रहे हैं, पाँव तोड़ रहे हैं, तो बी एश्योर्ड कि ये वापस आएगा, दिस हैज़ टू कम बैक। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना, किसी भी जीव को हमें नहीं करना है, ये तो सबको कसम ले लेनी चाहिए कि हम किसी को बिना बात के, बिना कारण के नहीं सताएंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम खुशियाँ ही बांटेंगे,
ताकि हमारे पास लौट के हुआ है, वी आर बीइंग सेल्फिश, इट्स नथिंग। हम कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं बच्चे बड़े होंगे मतलब तब समझ आएगी, तब वो ये सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन अगर ये एजुकेशन हमें घर में बचपन से ही मिले तो काफ़ी हेल्प होगी, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल बेटा, और मैं तो हमने आई एम रियली थैंकफुल टू दीपिका मैम एंड भावना मैम कि वो तुम बच्चों को लेके आई हो, और तुम ही तो फ्यूचर हो ना हमारा, इफ यू लुक एट आवर कंट्री, हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर, और तुम लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी से सीखने के लिए मिल रही है। मुझे डीपली इसीलिए अच्छा लगता है कि बहुत सारा कल्चर जो है ना वो आप में इनकलकेट होता है और एक्सचेंज होता है स्कूल्स में, और ये मतलब ये बहुत अनयूजुअल सा टॉपिक है जिसके बारे में सोचा गया और जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, एंड इट हैज अ फ्यूचर एंड इट विल गो अलोंग विद इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू। एंड मैम आप प्लीज कम फॉरवर्ड, है ना, एक बार भावना मैम की तरफ करना ना, तो भावना मैम एक बार आप ऐसा कुछ करवाइए। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आपकी बातों ने इतना ज्यादा हमें उत्साहित किया है कि हम अब इस पर्पस को और दूर तक लेके जाएंगे आपके सहयोग से, और आगे जब कभी भी जिस भी प्रकार की आपको हमसे और हमें आपसे अपेक्षा होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि मूक जानवरों के लिए हम कुछ कर सकें। कृष्णा नगर में हम आएंगे जी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि मैम मुंबई में अगर मैं वैसे ऑफ द ट्रैक करूँ, मुंबई में ना लोग वो मारते हैं मच्छरों को ना उससे, हाँ वो रैकेट सा, रैकेट सा। एक बार अब आपने हमसे बात करी तो हमें बहुत सारी नई जानकारी भी मिली, और जो ये बोल नहीं सकते हमें समझना चाहिए उनका तक, तो हम वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया और इतने इम्पोर्टेंट मैसेज को प्रमोट करा, और मैं अपनी दोस्त मीर्जा के साथ और पूरी DPS की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू बच्चों, मैं आपकी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप बच्चे आए और इस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को यही करना चाहिए, यू शुड गो टुवर्ड्स मोर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव थिंग्स रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन व्हाट्सएप मोबाइल। कुछ हम अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लौट के आएगा ही आएगा, तो बहुत ही अच्छा। वी वुड रियली पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर दिस, सब अच्छा करेंगे।